आना, गाली देना, धक्का मुक्की करना, मोबाइल फोन छीन कर ले जाना, ये कौन सा आचरण है? बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूं कि किसी भी राजनेता को जब राजनीतिक पद पे होते हैं और गरिमा के पद पे होते हैं तो बहुत ही ध्यान से चलने की आवश्यकता है और शालीनता के साथ अपना व्यवहार पेश करने की बहुत जरूरत है। मेरा मानना है कि जिस तरह का घटना हुआ है, जितना मैं देख पाया हूं आपके चैनल के वीडियो के माध्यम से, उसके माध्यम से मुझे लगता है कि प्राइमा फैसे ही उन्होंने अभद्र आचरण किया है और इसके चलते उनको नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देनी चाहिए। क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी पे मिसाल आडवाणी जी का भी है, जब हवाला का केवल आरोप लगा था उनके ऊपर तभी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो ये तो एक कहीं ना कहीं पे मिसाल की पार्टी है, तो उस मिसाल को ध्यान में रखते हुए चीजों को करने की आवश्यकता है। पर इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी बोलना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे मुझे याद है वो घटनाक्रम जब समाजवादी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिस तरह से आपके जर्नलिस्ट को पीटा गया था श्रीमान अखिलेश जी के सामने, और अखिलेश जी ने कहा था कि पीटा तो पीटा, क्या हुआ? अब हाल ही में किसी और मंत्री के बारे में कहा कि इनको तो गटर के नाली इनको साफ करने की आवश्यकता है, कि इनका मतलब कि स्टैंडर्ड वही है फिर जो एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री के लिए कह सकते, कि काशी विश्वनाथ पे तो इनका अंतिम समय आ गया है तो वहीं पे बिताए, जो मतलब किसी प्रधानमंत्री का इस तरह का कल्पना कर सके कि अंतिम समय आ चुका है तो काशी पे ही बिताए। तो ऐसे पार्टी से तो इस तरह की चीजों को लेके मॉरल स्टैंडर्ड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मैं श्रीमान राहुल नेहरू जी का भी बयान सुन रहा था ना। राहुल नेहरू जी ने कहा है कि अरे ये तो तू ता करके बात करना। अरे जनाब, आप तो एक गरिमा के पद पे बैठे हुए हो ना, आप सांसद हो तो कम से कम इतना तो शालीनता होना चाहिए कि आपके जो भी को कॉलीग हो, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से हो, उनके लिए आपका शब्द तो आप जरूर इस्तेमाल करो। इसको तो देख लेंगे, इसको तो 15 साल के लिए जेल के अंदर भेज देंगे। तुमको आप कौन होते हो 15 साल के लिए जेल के अंदर भेजने की? जांच चल रही है, जांच के माध्यम से अगर दोषी पाया जाएगा तो जेल भी होगा और निष्कासित भी होगा। वो राहुल गांधी ने जो कहा वो गृह राज्य मंत्री के लिए कहा, जांच जो चल रही है वो गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर चल रही है, बेटे के ऊपर। गृह राज्य मंत्री से सवाल सिर्फ ये है कि कभी वो कहते हैं चुटकी बजाकर कि 2 मिनट में सिखा, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, वो कहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड देखो, मेरा बैकग्राउंड क्या था, और आज वो धक्का मुक्की गाली गलौज कर देते हैं वंदना सिंह। लेकिन आरोप आपके ऊपर भी ऐसे ही है। आनंद भाई 5 सेकंड और मुझे दे दीजिएगा, 5 सेकंड और जी डॉक्टर दत्ता। मैं कह रहा हूं कि मैं तो खुद इस बात का खंडन कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि नैतिक आधार पे उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। हाँ। इस चीज को लेके, पर यहाँ पे ये है कि शालीनता तो सबको रखनी चाहिए ना। बिल्कुल। और SIT की जांच की जहां बात आती है, किसान आंदोलन पे शुरू से लेके रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से लेके ट्रैक्टर रैली से लेके वो सार्वजनिक बलात्कार से लेके लिंचिंग ऑफ द दलित बच्चा से लेके सब चीजों पे उस बात के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार से आप रिकमेंडेशन दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को आप अपना प्रस्ताव दीजिए, आवाज उठाइए, हमारी कोई उस मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। आदमी को हक है कि वो जिसको देश में गलत होता हुआ दिखे उसको सही करवाने के लिए कोशिश करे। लेकिन वंदना सिंह, अगर समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के सवाल उठा रही है कि आज की तारीख में ऐसी बदतमीजी या बदसुलूकी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, उसी कैटेगरी में आपको भी रखा जा रहा है, आपकी पार्टी को रखा जा रहा है, तमाम लोगों के नाम गिनाया जा रहा है इसमें, विधायक राममूर्ति का नाम गिनाया जा रहा है, गायत्री प्रजापति का नाम गिनाया जा रहा है, अखिलेश यादव का नाम गिनाया जा रहा है। देखिए आनंद जी, दूसरों को की तरफ उंगली उठाने से पहले ये देखें कि 5 उंगलियां इनकी तरफ उठ रही हैं। ये दूसरों को तो गिना रहे हैं, वो पीछे का गिना रहे हैं, अभी का हालात जो है उसको भी तो जरा बताएं। एक भाई साहब बोल रहे हैं राहुल नेहरू गांधी, ये भाषा है। और आप राहुल नेहरू तो गलत नहीं बोला हूँ, उनका उनका टाइटल ही है नेहरू, उपाधि को नहीं मानता हूँ, उपाधि को नहीं मानता हूँ, श्रीमान राहुल नेहरू जी है वो। दूसरा सवाल ये है, आप ये हकीकत है, शुक्र कीजिए मैंने खान का शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया उस पे। पूछ लीजिए, ये बोल लिया मैं बोल लू नहीं बोली मैं बोली एक ही करके बात करेंगे जी। दूसरा सवाल उठता है, देखिए कोई किसी को भी ये हक नहीं उठता है कि वो किसी और का
के साथ इस तरह का सलूक करे, कोई भी राजनेता हो, किसी भी पार्टी का हो, किस कहीं का भी जनप्रतिनिधि हो, उसका जनप्रतिनिधि मतलब होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जनता के ऊपर अत्याचार करिए, ये किसी को हक नहीं उठता है। मैं ये तूतू मैमे में नहीं जाना चाहती हूँ आनंद जी, कि इनके अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो फिर शुरू से भी बैठ के 10 मिनट में नाम गिनाती रहूंगी जी। अभी फिलहाल जो मसला है जिसपे हम बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसी कौन सी इनकी व्यवस्था है कि अजय मिश्रा से ये इस्तीफा नहीं मांग सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, कोई भी कुछ गुनाह करेगा उसको तुरंत मारो, मारो उसको, हटाओ उसको सब कुछ। फिर इसमें क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जी कुछ कर पा रहे हैं? क्या केंद्र में और राज्य में कोई समस्या है, समानता नहीं है इनके विचारों में? इससे तो यही जाहिर होता है, क्योंकि जिस तरह का अगर आप योगी, मैं चाहूंगा इस बात का जवाब सीधा शहजादपुरे वाले से। शहजाद बताइए जरा कि अगर मंत्री के ऊपर लगातार ये आरोप है, भाषाई असंयम, भाषाई संयम नहीं रहता है उनका, आप कह रहे कि हमारी कटिबद्धता है कि भाषा संयम रहना चाहिए, लेकिन उसके ठीक विपरीत में जो मौजूदा गृह राज्य मंत्री है उनका व्यवहार है। अनंत जी मैं आपको समझाता हूँ, देखिए किसी भी कार्रवाई को करने के लिए नैतिक आधार तब बनता है जब उस पर एक कानूनी फाइंडिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या जुडिशियल हो। जैसे अजय मिश्रा टेनी के, जैसे जो आशीष मिश्रा है बेटे हैं अजय मिश्रा जी टेनी के, उनके खिलाफ SIT की रिपोर्ट हमारी ही पुलिस ने दायर की है, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, उस पर संगीन से संगीन आरोप लगाकर और उस पर आरोप पत्र दायर किया जा रहा है। अब आते हैं उनके पिताजी पर, अब उनके पिताजी पर कोई लीगल फाइंडिंग जुडिशियल या इन्वेस्टिगेटिव नहीं है, फिर भी मैडम मांग रही है कि नैतिक आधार पर इनका इस्तीफा होना चाहिए। चलिए इनकी बात को मानते हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, मुख्तार अंसारी जो कि एक क्रिमिनल है जो जेल में है, उनको इनकी पार्टी टिकट देने की बात करी, राजभर जी ने भी किया और उसके भाई को इन्होंने पार्टी से टिकट ऑलरेडी दे दिया है, कंफर्म कर दिया है। मुझे वंदना जी बोले कि उनके भाई को टिकट नहीं मिलेगा, मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगे, ये ऑफिशियल अनाउंस कर दे समाजवादी पार्टी। जिनके खिलाफ फाइंडिंग है उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करना चाहती, उनको इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बोलती है और बोलती है कि हम उसको टिकट देंगे। और जिसके खिलाफ एक लीगल फाइंडिंग, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की फाइंडिंग या जुडिशियल फाइंडिंग अर्थात मंत्री जी के खिलाफ अभी तक नहीं है, उनका इस्तीफा मांगती है। तो दोहरे मापदंड की तमाम जो सीमाएं इसको पार नहीं करना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मुख्तार अंसारी और उसके भाई को टिकट मिलेगा समाजवादी की तरफ से, हाँ या ना पहले बताएं। वंदना जी अगर राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के आने के लोग रुकेंगे तो भाषाई संयम अपने आप हो जाएगा। मैं एक उल्टा सवाल पूछना चाहती हूँ शहजाद जी से, मैं महिला हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक मिनट, आपके नेता लोग जो बलात्कार के आरोपी हैं, स्वामी क्या नाम मुख्तार अंसारी चला रहे थे, जो यूनिवर्सिटी चला रहे थे जहाँ एक लड़की का रेप होता है, मैडम मुख्तार अंसारी माफिया है, हाया ना? आपने, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशन तो है ही नहीं, क्या समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी को माफिया मानती है, हाया ना? उसके ऊपर क्या कर रहे हैं जो बलात्कार? मैडम हमारे समय में NCRB का डेटा है, 45% रेप कम हुए हैं, 60% डकैती कम हुई है, 50% से ज्यादा मर्डर कम हुए हैं। अब बताइए मुख्तार अंसारी अपराधी आपकी नजर में है, हाया ना? क्या किया है आपने?